हेलो। हाँ अच्छा बात गली तक महक आ रही है, पता नहीं कहाँ बैठ गई, सारी सब्जी जला दी। इसे तो मैं बताती, पता भी है गैस तो कुछ रखा था, सारी सब्जी जल गई। सॉरी मम्मी, जब वो फोन आ गया था ना तो मैं बात करने लग गई थी और सब्जी मेरे दिमाग से निकल गई। इस दिमाग को ना सेंटर में रख लिया कर, 10 जगह दौड़ाती रहेगी। इतनी तो जली भी नहीं है सब्जी, पानी तो सूखा है, थोड़ा पानी डाल दूंगी इसमें, सुखाने का ना कोई मौका नहीं उसमें। सास जो ठहरी, कहाँ रह गई ये? ला ले या कपड़े, मुझे देर हो रही है नहाने के लिए। इसे क्या हुआ? दो बिस्किट और ला दे, खाली चाय पीऊंगी फिर। इसे क्या हो गया? ना तो बात कर रही है ना कुछ कह रही है, अब किस बात पे गुस्सा होके बैठ गई ये, इसका भी पता नहीं चलता। तेरी सास ठीक है? अब कैसा उनके कमर का दर्द, हुआ कुछ आराम या ना? अब तो आराम है मम्मी, बेचारी बहुत ही परेशान हो रही थी कमर दर्द के मारे, उठना बैठना तक मुश्किल हो रहा था। मम्मी मैं जब से आई हूँ भाभी बड़ी चुपचाप सी लग रही हैं, क्या बात है? अरे बात क्या हो गई? कुछ भी तो नहीं है, पता नहीं अपने आप ही मुंह फुला के बैठी है। ऐसे तो नहीं बैठेंगे भाभी मुंह फुला के, जरूर आपने ही कुछ कहा होगा। ले तू मेरे ही सिर रो रही है, भला मैं कौन होती हूँ इसे कुछ कहने वाली? मम्मी ऐसा हो ही नहीं सकता, या तो भैया ने कुछ कहा होगा या फिर आपने कुछ कहा है, नहीं तो भाभी है ही नहीं ऐसी जो इतनी चुपचाप रहेंगी। कुछ बात नहीं है, परसों है ना सब्जी रख के मैडम लग गई फोन में, अब वो सारी सब्जी जलते जलते रह गई। वो तो मैं टाइम पे आ गई, मैंने गैस आके बंद कर दी, बस मैंने इतना कह दिया कि ध्यान रखा कर थोड़ा सा घर का, बस इतनी बात कहने दे और फूल गया मुँह। अब तू बता मेरा इतना भी हक नहीं है उसको कुछ कहने का? पर आजकल के बहू को तो कुछ कह दो बस मुंह फुला के बैठ जाएंगी। अरे मम्मी ऐसे क्यों कह रही हो, आपका पूरा अधिकार है, आप नहीं समझाओगी तो कौन समझाएगा? पर समझाने का भी एक तरीका होता है, तू रहने दे। वैसे तो बहुएं कहती रहेंगी सास माँ नहीं बन सकती, क्या वो बेटी बन जाती हैं? अरे क्या एक माँ का इतना भी अधिकार नहीं है वो अपनी बेटी को गलती पर डांट दे? मम्मी आपकी बात बिल्कुल सही है, पर अब क्या उसकी माँ उसे डांटती नहीं होगी जब वो गलती करती होगी तो? उससे बात करना छोड़ देती होगी, फिर सास की बात का इतना क्यों बुरा मान जाती है? मैं तुझे भी तो डांट देती थी ना जब तू गलती करती थी, तूने तो मुझसे बोलना नहीं छोड़ा कभी, और इसे देख 2 दिन से बात नहीं करी है। अच्छा मम्मी एक बात बताओ, जब मैं आपसे गुस्सा होती थी आप कैसे मनाते थे मुझे? कैसे क्या? मैं तुझे लाड़ प्यार से मनाती थी, या फिर तेरी पसंद का खाना बनाती थी, या फिर तेरी पसंद का
क्या आपने भाभी पर वो माँ वाला अधिकार, माँ वाला प्यार वो दिखाया? नहीं ना, क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं, आपकी बहू है। इसलिए मम्मी भाभी को भी उस प्यार की जरूरत है। अरे वो अपना घर परिवार, अपने माँ बाप को छोड़कर आई है, वो बस आपसे वो प्यार ही तो मांगती है और कुछ नहीं। वैसे मम्मी एक बात कहूँ, वो बहू बड़ी किस्मत वाली होती है जिसको ससुराल में भी मायके जैसा प्यार मिलता है। प्रिया इधर आ। अब तो मुझे ये बता बेटा, अब तू अपनी इस माँ से कब तक नाराज रहेगी? क्या तेरी इस माँ का इतना भी हक नहीं है कि तुझे डांट सके? अब तू देख ले, अब मैं इसे प्यार से बात करूं तो भी ये रो पड़ती है, अब क्या करूं इसका? अब तुम दोनों बैठो, मैं चाय बना कर लेके आती हूँ। आप बैठो, मैं लेके आ रही हूँ। ना तू रहने दे, चाय मैं बनाऊंगी, तू अच्छी नहीं बनाती।